नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज अनकट में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जगह पर राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उद्धव के इस्तीफे की बात आई कैसे। उद्धव ठाकरे ने तो कभी नहीं कहा कि वो इस्तीफा देने वाले हैं और ना ही उनकी सरकार को जो दो पार्टियां समर्थन दे रही हैं एनसीपी और कांग्रेस, उनकी ओर से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो अपना समर्थन वापस लेंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर ये सवाल कैसे खड़ा होता है। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उद्धव की सेहत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते 2 नवंबर से उद्धव ठाकरे एक भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हाजिर नहीं हुए हैं। बीते 12 नवंबर को उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो काफी दिनों तक अस्पताल में रहे। अस्पताल से बाहर आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो फिर से एक बार सरकारी कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगेंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र का जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र है उसके पहले प्रथा है कि मुख्यमंत्री एक चायपान पार्टी रखते हैं विपक्ष के लिए, साथ में मीडिया को संबोधित करते हैं, उसमें भी उद्धव ठाकरे नहीं आए। जो कल कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई उसमें भी, कैबिनेट की मीटिंग में भी उम्मीद की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे वहां पर व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उसमें भी वे खुद से शरीक नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उस मीटिंग में हाजिर हुए। आज महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और आज उम्मीद की जा रही थी कि वो आने वाले हैं, लेकिन आज पूरा दिन भर बीत गया लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। और इसी वजह से इस चर्चा को बल मिल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे अपनी सेहत को लेकर इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी ओर विपक्ष भी इस बात को लेकर काफी दबाव बना रहा है कि अगर ठाकरे सरकार का कामकाज नहीं संभाल सकते हैं, विधानसभा में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चार्ज किसी और को दे देना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, इस तरह की संभावना अगर बनती है, तो उद्धव ठाकरे के बाद महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उन नामों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। तो रौनक, सबसे पहले तो ये बताओ कि मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे अपनी सेहत के चलते और जिस तरह से विपक्ष दबाव बना रहा है उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा नाम है जो सबसे पहले आपके जहन में आता है? जी देखिए, अगर शिवसेना के अंदर से नामों की बात की जाए तो पहला नाम समझ में आता है, वो है आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में युवा मंत्री है और उनकी अच्छी छवि भी रही है, और ठाकरे परिवार का ही कोई व्यक्ति शिवसेना और सरकार को लीड कर सके, ये इच्छा हमेशा से उद्धव ठाकरे की रही है, और ऐसे में आदित्य ठाकरे को एक कमान दी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है आदित्य ठाकरे के सामने, क्योंकि ये जो सरकार, 3 पार्टियों की सरकार है, इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जैसे नेता है जिनका कई लंबा साल का अनुभव रहा है, बाला साहब थोरा जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इस विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक है, ऐसे में उनके सामने आदित्य ठाकरे जैसे जूनियर व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बना देना, ये शायद उनको ये बात पचेगी नहीं। तो हो सकता है कि आदित्य का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है उसको उतना बल बाकी पार्टियों से समर्थन ना मिले। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अक्टूबर 2019 में जब इन 3 पार्टियों की सरकार बन रही थी, तब कांग्रेस ने, विशेषकर सोनिया गांधी ने, इसी शर्त पर मंजूरी दी थी कि उद्धव ठाकरे को ही इस सरकार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के नाम पर ही उन्होंने सरकार बनाने की, सरकार में शामिल होने की मंजूरी दी थी। चलिए, अगर आदित्य ठाकरे को हम रूल आउट करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा कौन सा नाम हो सकता है? दूसरा नाम जो मुझे समझ में आता है वो एकनाथ शिंदे का है। शिवसेना की ये पार्टी में नंबर 1 के वो अभी फिलहाल में जितने विधायक है उनमें सबसे पॉपुलर है, सरकार में सबसे बड़ा और पावरफुल मंत्रालय अगर कहा जाए, यूडी जो शिवसेना के पास है मंत्रालय, उनमें सबसे पावरफुल मंत्रालय उनको दिया गया है, काफ़ी अनुभवी है, लंबे वक्त से वो विधायक रहे, ऐसे में उनके पास ये कमान, और शिवसेना लगातार ये कहती रही कि बाला साहब के शिवसैनिक को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार भी अगर सोनिया गांधी या शरद पवार ये शर्त नहीं लगते तो हो सकता था कि कोई शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बनता और उद्धव साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती तो दूसरा नाम जहन में आता है वो एकनाथ शिंदे का है।
अच्छा, लेकिन एकनाथ शिंदे के बारे में जब उनका नाम पहले भी उछल रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि हम दूसरा नारायण डाने नहीं चाहते हैं शिवसेना में, ऐसा था क्योंकि नारायण डाने ठाकरे परिवार से बाहर के थे, कट्टर शिवसैनिक थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया था बाला साहब ठाकरे ने, लेकिन उसके बाद वो शिवसेना से अलग हो गए, पहले कांग्रेस में गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई और उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो वैसा कोई दूसरा नेता पैदा नहीं करना चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे भी एक दबंग किस्म के नेता हैं, उनका काफ़ी जनाधार भी है, तो ऐसे में अगर अपनी खुद की इनसिक्योरिटी के चलते अगर ठाकरे परिवार एकनाथ शिंदे को नहीं बनाता है तो फिर कौन सा नया नाम हो सकता है? देखिए, तीसरा जो सरप्राइजिंग नाम हो सकता है वो है शिवसेना के फायरब्रांड नेता संजय राउत का। संजय राउत राज्यसभा के सांसद है शिवसेना के। एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि संजय राउत जो है उनकी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और इन दिनों राहुल गांधी से बेहद खास दोस्ती जो है वो देखने को मिल रही है। राज्यसभा और लोकसभा के जब सत्र पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में चल रहा है, लगातार राहुल गांधी और संजय राउत की दोस्ती जो है उसके किस्से जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, वो कई बार उनसे लगातार मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे मन बनाते हैं कि उनको पद छोड़ के पार्टी के किसी व्यक्ति को देना है तो नाम जो है वो संजय राउत का सरप्राइजिंगली सामने निकल कर आ सकता है, और इसके लिए शरद पवार और राहुल गांधी दोनों की मंजूरी भी हो सकती है। लेकिन रौनक, अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है ठाकरे परिवार में ही रहे, किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं जाए, तो आदित्य के अलावा दूसरा कौन सा नाम हो सकता है? जी देखिए, आज इस विषय पर चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को बयान देकर एक नया अध्याय या कह सकते हैं एक नई चर्चा छेड़ डाली है कि अगर ठाकरे परिवार के अंदर ही मुख्यमंत्री पद को रखना है तो आदित्य ठाकरे को प्रभार दिया जाए या फिर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को यह प्रभार दिया जाए। आपको बता दूं कि रश्मि ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा ना विधान परिषद दोनों की सदस्य नहीं है और ना ही वो शिवसेना की एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम करना होता है वो ज़रूर रश्मि ठाकरे करती है। ऐसे में हो सकता है कि अगर ठाकरे परिवार में ही मुख्यमंत्री पद को रखना है तो रश्मि ठाकरे को भी कमान सौंपी जा सकती है। जी बिल्कुल, रश्मि ठाकरे भले ही कैमरे पर ना आती हो, ज़्यादा दिखती ना हो, लेकिन नेपथ्य में रहकर वो काम करती हैं, ऐसा तमाम सियासी गलियारों में चर्चा होती है, और उनको महाराष्ट्र की राजनीति की अच्छी समझ भी है, तो एक ये नाम भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ दो स्थितियों में मुमकिन है, पहला तो ये कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा देते हैं तो, और दूसरा कि उनकी जगह पर अगर दूसरे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाना है शिवसेना से, तो ऐसी स्थिति में एनसीपी और कांग्रेस का क्या रुख होता है ये भी देखना ज़रूरी होगा। तो ये चर्चा हुई कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी सेहत के कारण इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो उनकी जगह पर कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बन सकता है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित।